ठाकुर साहब। नमस्कार संजीव जी। हाँ ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप किस पार्टी से, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का आभारी हूँ, जो मतलब गांव गांव जाकर गाँव के विकास या जनता के विश्वास को लेकर लोगों की आवाज ले रहे हैं। जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पिछले 25 वर्ष से कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। और 2005 से लेकर मैं 2005 में मुझे निर्विरोध प्रधान ग्राम पंचायत की जनता ने चुना था, और 2005 से लेकर एक सक्रिय राजनीति में जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। और जनता का बहुत सारा प्यार इन 25 सालों में हमें मिला है, और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी, जिस माध्यम से जनता की सेवा करेगी। तो आपने लगभग कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन मिला है, उसका कोई विशेष कारण? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जहां तक पार्टी छोड़ने का सवाल है, मन बनाने की बात नहीं, मैं पार्टी छोड़ ही चुका हूँ। लगभग सिर्फ कुछ औपचारिकता बाकी है जो 2-1 दिन में हो जाएगी। पार्टी छोड़ने का मुख्य जो कारण है, बहुत सारी बातें हैं। 25 साल में बहुत कुछ हुआ। स्थानीय विधायक राम कुमार जी के साथ काम करने का जो तरीका इनका है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब इनके काम करने का तरीका है, इनकी कार्यशैली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इससे पहले हमने इनके पिताजी के साथ, जो कि यहाँ से पूर्व विधायक रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री चौधरी लज्जाराम जी, खुद अपने आप में एक बहुत नेक इंसान थे, आज हमारे दिलों में आज भी बसे हुए। लेकिन राम कुमार जी के काम करने का तरीका जो था, वो हमारे जितने भी लोग उनके फादर के माध्यम से जुड़े थे, किसी को भी पसंद नहीं था। और एक एक करके हर आदमी राम कुमार जी को छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं परमजीत सिंह पम्मी, उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खासकर अगर परमजीत सिंह पम्मी जी की बात करें, तो परमजीत सिंह जी भी पहले हमारे साथ कांग्रेस परिवार में ही थे। वो लगभग 10 साल पहले इन चीजों से दुखी होकर चले गए थे। और परमजीत पम्मी जी अपने आप में बहुत ही ईमानदार शख्सियत हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। वो जिला परिषद के सदस्य भी रहे, जिसके माध्यम से उन्होंने जनता की सेवा की। और उनके पिताजी बहुत नेक और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक नालागढ़ तक ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की सेवा की। और आज भी जो सरदार ज्ञान सिंह जी हैं, लोगों के दिलों में बैठे हैं, लोग आज भी उनको बहुत याद करते हैं। और परमजीत जी की बहुत साफ सुथरी छवि है, और हमारी नज़र में एक ईमानदार व्यक्ति उनकी जनता को मिल रहा है। बहुत सारी आशाएं हैं परमजीत जी से। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार चुना है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की। और मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ देश हित में है, देश की जनता के लिए है, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का विचार बनाया है, और छोड़ चुके हैं लगभग। आने वाले दिनों में आदरणीय मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि देश की जनता के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले 5 या 10 साल बाद इसके मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी नीतियाँ अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन आज का जो वोटर है, मतदाता है, वो भली भांति से जानता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। विधानसभा क्षेत्र दून में हुए विकास कार्यों के लिए आपका क्या कहना है? दोबारा से कर रहे हैं विधानसभा विधानसभा क्षेत्र दून में हुए विकास कार्यों को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ बहुत विकास कार्य हुआ विधानसभा दून के लिए, क्षेत्र पत्र जारी किया गया विधायक के द्वारा, उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्णन यहाँ किया, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे विधायक स्थानीय राम कुमार जी झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, और झूठ भी बड़े तरीके से बोलते हैं।
जहां तक 700 करोड़ के कार्यों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर दून एक छोटा सा चुनाव क्षेत्र है, अगर इसके अंदर 700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं विकास के नाम पर, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सिंगापुर की तरह दिखना चाहिए था। जबकि आपके सामने है सब कुछ, रोड टूटे पड़े हैं, कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोगों की जो आम जरूरतें हैं रोजगार को लेकर वो पूरी नहीं हो रही। और जहां तक ये 700 करोड़ का बजट लेके जनता में जा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि वैसे तो ये झूठा मेरे को लगता, 250 करोड़ विभाग किसी भी विभाग के माध्यम से, वीवीआईडी के माध्यम से आया होगा। अगर ऐसा है भी तो मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि जमीन पर वो पैसा नहीं लगा, उसका मेन जो कारण था वो ये है कि इनके अपने रिश्तेदार ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, और मैक्सिमम जितने भी डेवलपमेंट के काम हो, चाहे सड़कों का हो या कोई भवन निर्माण का कार्य हो, वही लोग करते हैं, और वहां पे 50-50 होता है। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दून की जनता को दून की सच्चाई जानने के लिए आपके चैनल के माध्यम से जो सेवाएं दी जा रही है, उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। हम आपका स्वागत करें।